सो गाइस आज हम देखने वाले टॉप 5 बिग यूट्यूबर्स की सबसे खतरनाक क्लचेस, जिसमें इन यूट्यूबरों ने बहुत ही खतरनाक तरीके से 1v4 सिचुएशन हो चाहे 1v6 सिचुएशन हो, उन सभी को बहुत ही ओपी तरीके से निकाला। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को लास्ट में पागल एम10 का गेम प्ले में राइस्टार ने जो लाइव में रिएक्शन दिया था वो भी देखने को मिलेगा, एंड इसी के साथ राइस्टार का एक बहुत ही खतरनाक क्लच भी देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ इस टाइप से कर दीजिए। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला क्लच निकल के आता है वो BR999 की तरफ से, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हो तो कभी ना कभी इनका नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो अपने ओपी गेम प्ले की वजह से अभी के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, एंड इसके यूट्यूब चैनल पे मोर देन 2 लाख सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो चुके। तो एक दिन नॉनस्टॉप भाई ने इसको लाइव में बुलाया, फिर 4 बंदों के साथ इसका वर्सेस कराया, जिसमें एक तरफ BR999 था तो दूसरी तरफ रेड क्रिमिनल की स्क्वाड थी, जो की बहुत ही खतरनाक खेल रही थी। लेकिन BR999 ने सिर्फ और सिर्फ डीजे डिगर से सबको खत्म कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा क्लिप देख सकते हो। BR999 देगा, क्योंकि यार उतने एग्रेसिव यहाँ पे सामने वाले प्लेयर्स नहीं देखने के लिए मिल रहे, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। अभी पिछले कुछ राउंड यहाँ पे निकाले जरूर है BR999। ये अभी गो, ओके लेट्स सी गाइस। भाई पता है जितना एग्रेसिव ज्यादा होगा ना उतना आपको मूवमेंट स्पीड ऑटोमेटिक फास्ट होगा, समझ रहे हो ना गाइस। बट यहाँ पे हेडशॉट पे यहाँ पे वर्क चल रहा है, और यहाँ पे गाइस फिर से यहाँ पे पहले सबसे पहले रेड क्रिमिनल यहाँ पे आया था भाई, इसको हेडशॉट दे दिया भाई ओपन में रिवाइव, वो भी BR999 के सामने एक और हेडशॉट भाई बैक टू बैक। भाई मैं इस बंदे के लिए कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप लोग ही कोई एक बार सजेस्ट करो भाई, और कभी भी यहाँ पे लास्ट हेडशॉट यहाँ पे आ सकता है भाई। सामने वाला बंदा व्हाइट ट्रिपल फोर की तरह ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे एक तरह से मोबाइल वर्जन यहाँ पे जरूर मेरे को देखने को मिल रहा है। हेलो गाइस, मुझे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जितना इस बार प्लेयर स्पॉट पर 10 करोड़ तक का इनाम आ गया है मैच सीजन, और प्लेयर स्पॉट की विनिंग का भूत तो सब पे चढ़ेगा। अरे डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है, और इस सीजन की विनिंग तो बवाल है बवाल। तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर स्पॉट में मैं सिर्फ स्पोर्ट ही नहीं बहुत ही इजी एंड एंटरटेनिंग गेम्स भी खेलता हूँ, जैसे लूडो, स्नैक्स, लीडर्स, कॉल ब्रिक, ऐसे 15+ एक्साइटिंग गेम जिनको खेलकर जीत सकते हो up to 50 lakh। अब बोलोगे प्लेयर पॉडी की नंबर 1 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइज, और रोज ऐसे नए नए अलग ऑफर। नंबर 2 इजी विड्रॉल विद नो KYC। नंबर 3 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है एंड ट्रस्टेड एंड सिक्योर है। नंबर 4 iOS एंड एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड को भी यहाँ बुलाओ, और जीतो रैपर एंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे लिंक से तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट, और भिड़ते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट टीम या फिर फेवरेट गेम के साथ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 2 पे जो क्लच निकल के आता है वो मुन्ना भाई YT की तरफ से, जिनको ना जानने वाले बंदे बहुत कम होंगे, क्योंकि ये अज्जू भाई के काफी क्लोज है एंड ये ज्यादातर अज्जू भाई के साथ ही खेलते हैं। तो एक दिन अज्जू भाई की स्क्वाड और 6 बंदे एक कस्टम लगाते हैं, जिसमें एक तरफ अज्जू भाई, अमित भाई, रोमी और मुन्ना भाई थे, तो दूसरी तरफ काफी प्रो 6 बंदे थे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है जिसमें मुन्ना भाई अकेले बच जाते, लेकिन जो मुन्ना भाई ने खेला ना वो तो देखने लायक था। उड़ा दिया ना फिर क्या कर सकते भाई यार, अरे एक नंबर मुन्ना, ये मेरे साथ ऐसे हुआ, एक नंबर मुन्ना, अरे मुन्ना जोड़, अरे एक नंबर मुन्ना, मुन्ना आराम से 1v1 है मुन्ना, लास्ट टाइम की तरह हगना मत, डबल किल, यू कैन डू इट मुन्ना, एक नंबर भाई मुन्ना, डोमिनेटिंग निकाला मुन्ना ने भाई, मजाक से हटके मुन्ना भाई प्रो है, अगर किसी ने कुछ मुन्ना भाई को बोला तो भाई वाट लगा देगा मैं। ये भगवान क्या जुलूम है। नंबर 3 पे जो वर्सेस निकल के आता है वो नॉट एक्सेल की तरफ से, जिनको नेपाली भिंसन जो भी कहा जाता है, क्योंकि इनका गेम प्ले रूबरू भिंसन जो की तरह है। सो ये बात है कुछ दिन पहले की, जहाँ नॉट एक्सेल का वर्सेस नॉनस्टॉप भाई की तरफ से कराया जाता है, जिसमें एक तरफ अकेले नॉट एक्सेल होते हैं तो दूसरी तरफ 4 बंदे होते हैं, जो की नॉट एक्सेल को मार के लॉल इमोट दिखाते हैं। फिर उसके बाद नॉट एक्सेल ने जो उनको धोया ना भाई, वो तो कतई जहर था। सो आप लोग यहाँ पे छोटा सा क्लिप देख सकते हो। भाई नोटा नोटा का कोई नया स्टाइल है क्या ये वाला, ओ भाई साहब बहुत ही जबरदस्त वाला हेडशॉट, ओनली रेड यहाँ पे, नोटा शांत जरूर दिख रहे थे बट एक और हेडशॉट, ये क्या खेल रहा है यहाँ पे नोटा, लग रहा है गुस्सा यहाँ पे आ चुका है नोटा को।
जी गाइस, वो मेरे को भी धक 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 यहाँ पे हो रही है। दोनों प्लेयर्स को, दोनों प्लेयर्स पे यहाँ पे फोकस करना होगा। भाई इसको भी रेड। भाई ये बंदा ज्यादा एटीट्यूड में, इस पे तो लगना चाहिए भाई। What the bro? एक राउंड चारों बंदों को ओनली रेड यहाँ पे। तो हमारा नंबर फोर पे जो गेम प्ले निकल के आता है वो है पागल एम10 का राइस्टार वाला रिएक्शन, जिसमें एक तरफ राइस्टार और पागल एम10 होते हैं तो दूसरी तरफ चार बंदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे राइस्टार मर जाते हैं तो हमें पागल एम10 का गेम प्ले देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा क्लिप देख सकते हो। अब मैं स्पैम जान मुझके नहीं करा था, जिससे कि थोड़ा ये हो आप, लेकिन पूरा स्पैम कर देगा। फुल फिनिश कर दिया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि पागल एम10 का थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वो उतना अच्छा खेल नहीं पाया, जो कि ऑब्वियसली बात है मोबाइल पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोई ना, अब मैं आप लोगों को राइस्टार का ऐसा खतरनाक क्लच दिखाने वाला हूँ कि जिसमें राइस्टार ने चार पांच बंदों को तो अकेला ही धो दिया। सो लेट्स सी। पहुंच गया भाई, ड्रॉप गिरता मेरे नीचे। क्या ब्रो, इधर तो नहीं, मैं सामने तुम आ रहे हो। अरे इसको चलो बताओ साला, चुपके मारा ना, ना इसका पीछा किया लास्ट में चुपके टैग से नहीं मारा है भाई। अबे बचाओ तो लो। अरे हराम यार, क्या दोस्त है, बाजू में से सारे के सारे गए, एक से भी बचाया नहीं। भाई का ही लेता हूं, बराबर आ गया। अबे मेरा अटैक नहीं, कसम से अटैक नहीं है। दिस इज व्हाट यू वांट। क्या भाई, तुम्हारे लिए खुला रखा था मैंने, लेकिन तुमसे So guys, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितना बार बोलूं मेरे भाई, जल्दी से कर दो ना यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने पे कुछ भी नहीं जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा स्टोरी टाइम वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग इस पे क्लिक करके इजिली देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक बार देखोगे तो आप लोगों को और भी देखने का मन करेगा। सो पार्ट 5 भी आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से जाके देख लो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। आज के लिए इतना रहा, बाय।